हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो राजस्थान साहित्य का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो राजस्थान के इतिहासकार कहे जाते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म जो है 1863 में सिरोही में हुआ था। इनको प्राचीन लिपि का बहुत अधिक ज्ञान था, ठीक है। तो इन्होंने जो है 50 से अधिक ग्रंथ भी लिखे थे और भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो इसमें जो है राजस्थान की कई रियासतों का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। राजपूताने का इतिहास का वर्णन जो है इसमें किया गया है। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि जो है वह भी प्रदान की थी। ये चीजें आप याद रखेंगे कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं, इनको प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। कर्नल जेम्स टॉट, तो इनके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। कर्नल जेम्स टॉट जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान के जो हैं वो पीए बनकर आए थे इटली से, ठीक है। इनको जो है घोड़े वाले बाबा जो हैं इस नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो बुक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो ये जो बुक है 1829 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। तो इसमें इन्होंने रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द जो है इसका प्रयोग किया था। इनकी जो दूसरी बुक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, या फिर कहीं पर आपको सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया ऐसा लिखा मिलेगा। तो ये दोनों जो बुकें हैं इनके नाम आप याद रखें। कई बार बच्चे जो हैं इनकी एक ही बुक याद रखते हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दूसरी बुक भी याद रखिएगा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, तो ये भी इटली निवासी थे और ये इटली से बीकानेर में ही आकर रहे थे और यहीं पर बीकानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की थी टेस्टिटोरी ने। राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे इन्होंने लिखा था। फिर देखें मेघराज मुकुल, तो मेघराज मुकुल जिनके कई ग्रंथ हैं जिसमें इनकी जो प्रमुख कविता है सेनाड़ी, सेनाड़ी का अर्थ होता है निशानी, ठीक है। तो ये जो सेनाड़ी कविता है तो ये बूंदी के जो हाड़ा शासक थे जिनकी पुत्री का नाम था शहल कंवर, जिनको हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं, तो उनके जो है वो बलिदान की गाथा जो है इसमें बताई गई है, जिसमें रावल रतन सिंह जो थे जब युद्ध में जा रहे थे, जब राज सिंह ने उन्होंने कहा था कि युद्ध में जाएं औरंगजेब को रोकना है, ठीक है। तो जब राज सिंह विवाह करने जा रहे थे तो जो रतन सिंह जो थे उनकी भी शादी जो है वो नई नई हुई थी, तो हाड़ी रानी से उन्होंने जब युद्ध में जाने से पहले निशानी मांगी तो क्या किया था, हाड़ी रानी ने अपना सर काट कर जो है निशानी के तौर पर भिजवा दिया था। तो ये जो कविता की गाथा जो है वो इसमें कही है। कोड मरे आण री बात दुर्गावती चंवरी उमंग की रचना जो है मेघराज मुकुल के द्वारा की गई। कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया इनका जन्म चुरू में हुआ था 1919 को। कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि इन्होंने पातल और पीतल की रचना की, जिसमें पातल जो है वह महाराणा प्रताप को कहा गया है, ठीक है। तो पातल और पीतल की रचना कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसकी रचनाकार कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। लील टांस मायण रोहैलो लीक लेकोड़ो वन फूल सबद धरती धोरारी, ये निग्रंथ ये सभी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखे गए हैं। पातल और पीतल और धरती धोरारी, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो कई बार एग्जामिनर जो है इनके बारे में पूछ भी चुका है और आगे पूछ भी सकते हैं। मणि मधुकर, मणि मधुकर के पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोजती गेट अम्बादासरो चित्राम, इसकी रचना मणि मधुकर के द्वारा की गई, जिसमें पग फेरो जो है वो एग्जामिनर ने पूछ लिया है, महत्वपूर्ण है। और बाकी कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोजती गेट अम्बादासरो चित्राम ये अभी तक पूछा नहीं गया है और पूछा जा सकता है लेकिन आगे, तो आप ये याद रखेंगे। विजयदान देथा, विजयदान देथा जिनको
बिज्जी नाम से जाना जाता है, बिज्जी नाम से ही ये लोकप्रिय हुए हैं। इनका जन्म जो है बोरुंदा जोधपुर में 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी थी, बातारी, फुलवारी, तो ये जो है एक लोक कथा है, मारो बदलो, तीड़ो राव, हिटलर, दुविधा। दुविधा पर तो पहली मूवी जो है वह भी बन चुकी है। तो दुविधा जो लोक कथा है, इस पर सबसे पहले मणिकोल ने जो है वो दुविधा फिल्म बनाई, और उसके बाद इसी कथा पर जो है अमोल पालेकर ने जो है वो पहेली मूवी बनाई थी। तो आपने वो जो मूवी जो है वो देखी होगी, पहेली मूवी। उसके बाद परिणति, चरणदास चोर, रुख, उलझन, सपन प्रिया, केंचुली, द डिलेमा, ये सभी किसकी कृतियां हैं? विजय दानदेथा की कृतियां हैं। और बातारी फुलवारी जो है ये एग्जामिनर ने पूछ लिया है, बातारी फुलवारी एक लोक कथा है, ठीक है। बापू के तीन हत्यारे, वो भी इन्हीं की है, चौधराइन की चतुराई, ठीक है। तो ये भी किसकी है? विजयदानदेथा की। तो इसमें जो है वो आप दो नाम ऐड कर लेना, कौन कौन से, बापू के तीन हत्यारे और चौधराइन की चतुराई, ये भी लोक कथा है जो कि विजयदानदेथा के द्वारा रची गई है। श्री लाल नथमल जोशी, तो बीकानेर के निवासी थे श्री लाल नथमल जोशी। आभे पट की उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया, विधवा विवाह की समस्या को जिसमें उठाया गया है। और धोरा रो धोरी, तो धरती धोरारी वो अलग है, जो किसने लिखी थी? कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी, ठीक है। और ये है धोरा रो धोरी, ये श्री लाल नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। एक बीनड़ी दो बीन, ठीक है, तो जिसमें बीन बीनड़ी दोनों के बारे में है। भाड़ेती, परण्योड़ी कुआरी, मोलायाणी लाड़ी, ये सभी श्री लाल नथमल जोशी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। रांगे राघव, तो इनका जन्म जो है 1923 में आगरा में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं घरोंदा, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, स्वर्ण भूमि का यात्री। ऐसा लगता है जैसे कि किसी मूवी के ही नाम है, आज की आवाज, तूफानों के बीच। तो पुरानी जो मूवी होती थी उसमें जो है वो आप नाम देखते थे, इसी तरीके के होते थे। तो ऐसे याद रखिएगा कि रांगे राघव के द्वारा जो है वह इस तरीके की जो है बुक जो है वो लिखी गई है। घरोंदा, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, स्वर्ण भूमि का यात्री, आज की आवाज, तूफानों के बीच। चंद्र प्रकाश देवल, इनकी रचनाएं हैं पागी, कावड़, बोलो माधवी। ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? चंद्र प्रकाश देवल की। तो ऐसे याद रखें, बार बार बोलें, पागी, कावड़, बोलो माधवी, चंद्र प्रकाश देवल की। पागी, कावड़, बोलो माधवी, चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, राजस्थान के रीति रिवाज, कह रे चकवा बात, शांति के लिए संघर्ष, मंझली रात, मूमल, लेनिन रिजीवनी, हिंदुकस, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की हैं। और राजस्थान की प्रेम कहानियां, हुंकारो दोसा, बाघा भारमली, ये भी किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की रचनाएं हैं। सीताराम लालस, सीताराम लालस जो हैं, जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश लिखा था, डिक्शनरी लिखी थी इन्होंने, सीताराम लालस ने, किसकी? राजस्थानी भाषा की, ठीक है। तो याद रखें, हो सकता है एग्जामिनर जो है वो पूछ ले से कि राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश किसने लिखा? सीताराम लालस ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इनका जो रचना है वह है उसने कहा था। पंडित झावरमल शर्मा, तो पंडित झावरमल शर्मा जिनका जन्म जो है जसरापुर में होता है, और पत्रकारिता के जो है ये भीष्म पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। और भारत ज्ञानोदय, हिंदू संसार नामक पत्रों का इन्होंने संपादक किया था। इन्होंने अनेक पुस्तकें जो हैं और भी लिखी थी, जैसे सीकर का इतिहास लिखा था इन्होंने, और खेतड़ी का इतिहास लिखा था, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था, ठीक है। इसके अलावा जो है तिलक गाथा, भारतीय गोधन, हिंदी गीता, रहस्य सार, ये जो है पंडित झावरमल शर्मा ने लिखा था। और पत्रकारिता के भीष्म पिता किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में आ सकता है पॉइंट, पंडित झावरमल शर्मा को। जहूर खां मेहर, तो जहूर खां मेहर जो है बहुत ही चर्चित नाम है, और ये जोधपुर में रहते हैं, और जोधपुर के जाने माने इतिहासकार, राजस्थान के साहित्यकार जो है जहूर खां मेहर को कहा जाता है। राजस्थानी संस्कृति रा चित्तराम इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। हर धर्म, हर समुदाय के लोग जो है वो ये कहते हैं कि जहूर खां मेहर जो है इनको इतना ज्यादा जो है अनेक समाजों के बारे में जानकारी है, जो कि उस समाज के व्यक्ति को भी नहीं है,
ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज के बारे में ये इतना कुछ जानते हैं जितना कि हम भी नहीं जानते। तो इन्हें जो है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो है वो बीकानेर की ओर से मिला हुआ है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे भी इनको नवाजा गया है। अर्जुन आली आंख राजस्थान में आज़ादी रो आंदोलन जो है वो इनकी रचनाएं हैं। फिर देखें यादवेंद्र शर्मा चंद्र, तो ये जो हैं ये भी बीकानेर में ही इनका जन्म हुआ था, और ये जो हैं उपन्यास नाटककार और कहानीकार हैं। तो हूँ गौरी किण पीवरी तासरो घर हजार घोड़ों का सवार मेहंदी के फूल खम्मा अन्नदाता एक और मुख्यमंत्री जमारो मिट्टी का कलंक। तो ये इतने सारे जो हैं उपन्यास नाटक कहानी जो हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर सुंदर से नाम हैं, आप याद रखें। हू गौरी किण पीवरी तासरो घर हजार घोड़ों का सवार मेहंदी के फूल खम्मा अन्नदाता एक और मुख्यमंत्री जमारो मिट्टी का कलंक। मृदुला बिहारी का एक जो है रचना याद रखें, कुछ अनकही। कुछ अनकही किसकी है? मृदुला बिहारी की। शिवचंद भरतिया, अब देखिए दो चार ही नाम रह गए हैं। आधुनिक राजस्थानी का भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको कहा जाता है, शिवचंद भरतिया को। इन्होंने जो है उपन्यास नाटक कहानी लिखी थी। इनका जो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है कनक सुंदर है, पहला जो नाटक है राजस्थानी भाषा में ही केसर विलास है, और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है इनकी विषांत प्रवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि इसमें कनक सुंदर केसर विलास विषांत प्रवास जो है इसमें उपन्यास कौन सा है। तो आप तीनों ही पढ़े होंगे जब ही आप बता पाएंगे। तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास जो है वो कनक सुंदर है, केसर विलास जो है इनका नाटक है, और विषांत प्रवास एक कहानी है। चंद्र सिंह वीरकाली, इनका है बादली और लू। ठीक है, तो मौसम से संबंधित दो नाम है चंद्र सिंह वीरकाली इनके रचनाओं के। हेमरत्न सूरी का गोरा बादल री चौपाई और कवि नेकराम का जगत विलास। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।